जवाब दिया था तब मैंने कहा कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी दुनिया भर में डेवलप हो रही है उसको उसका तिरस्कार करो, उसको छोड़ो, ये नहीं है हमारी कल्पना। लेकिन मैं उस कैश्यो डिजिटल डायरी से प्रभावित होकर के मुझे अवसर आया, एक संसदीय कोई शिष्टमंडल गया था वहां पर सैन फ्रांसिस्को, और मैंने पता लगाया था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सिएटल में है, तो मैंने सैन फ्रांसिस्को से मैंने कहा मैं सिएटल जाना चाहता हूँ, आई लाइक टू गो टू सिएटल, और सिएटल गया, जाकर के माइक्रोसॉफ्ट देखा। माइक्रोसॉफ्ट में उन दिनों में जितने सारे नए नए शोध हो रहे थे उन सबको देखा, मल्टीमीडिया और इसका उसका, आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। बट वॉट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट इन दैट माइक्रोसॉफ्ट फैक्ट्री इन द सिलिकॉन वैली वॉज द फैक्ट दैट जितना वहां पर स्टाफ था, जितने वहां पर टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर थे, उसमें से नियरली 30% वर इंडियंस, 30% उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंडियंस थे। मुझे समझ में आया कि भाई मेरे देश में कितनी क्षमता है, और ये सब के सब भारत छोड़कर के यहां आ गए हैं और यहां आकर के माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। मैं तो उस दिन की कल्पना करता हूं कि कोई भारत छोड़कर के जाएगा नहीं, सब यहीं के यहीं होंगे और करेंगे। और ये इन्होंने जो अपने संजीव ने जो सुनाया थॉमस फ्रीडमन की वो पुस्तक था द वर्ल्ड इज फ्लैट, द वर्ल्ड इज फ्लैट इज अ बुक इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ आवर आईटी कंपनीज, सारी पुस्तक उसके उससे प्रेरित है सारी की सारी। और उसका शुरू का जो पोर्शन है ना जिसमें वो लिखता है कि कोलंबस जब गया अमेरिका, अमेरिका गया और अमेरिका इंडिया को खोजने गया, अमेरिका इंडिया खोजने के लिए दुनिया गोल है इसलिए मैं वहां से भी पहुंच जाऊंगा, वेस्ट की ओर जाऊंगा तो भी भारत पहुंच जाऊंगा, इस विश्वास के साथ गया। लेकिन जब पहुंचा तो उसने तो समझा मैं इंडिया पहुंच गया, लेकिन वो इंडिया था नहीं, वो तो अमेरिका था। और इसीलिए वहां पर जो रहने वाले जो पुराने आदिवासी हैं उन सबको इंडियंस कहते हैं, रेड इंडियंस कहते हैं इसी कारण। और उन्होंने लौट करके अपने सम्राट को, स्पेन के सम्राट को बताया कि नहीं वहां तो द वर्ल्ड इज राउंड, इसीलिए मैं तो इंडिया पहुंच नहीं सका और लौट करके आया। ये थॉमस फ्रीडमन अपनी इंट्रोडक्शन में लिखता है कि मैं जब यहां आया आकर के मैंने इंफोसिस देखा, अमेरिका यहाँ के बेंगलोर के कॉल सेंटर्स देखे और देखा कि कैसे वहां पर शिकागो के एक्सेंट में कोई बोल रहा है तो कोई पेंसिल्वेनिया के एक्सेंट में लड़की बोल रही है, ये सब हो रहा है। तो मैंने उस रात्रि को अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि हनी आई थॉट द वर्ल्ड इज राउंड, नो बट द वर्ल्ड इज फ्लैट, मैं अमेरिका से आया हूं तो अमेरिका ही पहुंचा हूं फिर से। नाउ दीज थिंग्स मेक मी फील प्राउड, मेक मी फील हैप्पी एंड मेक मी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव द कैपेसिटी टू डू वॉट परहैप्स 25 years back वी थॉट वी कुड नॉट डू। Now, in a couple of days, we will be sending our spacecraft to the moon. 2 days. पहला spacecraft जब भेजा था वहां पर, it was perhaps 1966 जब अमेरिका ने भेजा था। 1966 was the first spacecraft that landed on the moon, America. And 3 years later, they were able to take even Neil Armstrong to the moon. The first manned spaceship. His words are famous. For man, it's a small step, but it's a giant step for mankind. मेरे लिए तो एक छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक ये दीर्घ कदम, महान कदम। इसरो को बहुत बहुत बधाई, इसरो के साइंटिस्ट टेक्नीशियंस जो भी वहां काम करने वाले हैं, जो कि 2 दिन में भेजेंगे स्पेसक्राफ्ट को, और
और हम उम्मीद करेंगे आज तो वो केवल हमारा तिरंगा झंडा ले जाएंगे चंद्र पर, चंद्रयान वन, लेकिन समय थोड़े थोड़े समय और लगेगा जब निश्चित रूप से एक मैंड कोई भारतीय भी पहुंच जाएगा वहां पर, निश्चित रूप से जरूर पहुंच जाएगा। मैं तो ये चंद्रमा और आज इतने सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं, उनके बारे में सुनता हूँ तो मुझे याद आता है अपने कॉलेज के प्रथम वर्ष में मैंने सब की सब पूरी की पूरी सीरीज पढ़ी थी जूल्स वर्न की, साइंस फिक्शन, ट्रिप टू द मून एंड अराउंड इट, और भी इतने सारे थे। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द पोटेंशियल, सर्कमस्टेंसेस आर नीडेड विच इनेबल दैट पोटेंशियल टू फ्लावर फुली। वी हु आर एस्पायरिंग टू बी इन गवर्नमेंट, we who are aspiring to lead the country, political parties, political workers, political leaders, हमारी जवाबदारी है कि ऐसा वातावरण क्रिएट करना, और वो वातावरण क्रिएट करने के लिए मुझे कभी कभी लोग कहते हैं कि आपको ये क्या समझाएंगे ये। मैं मानता हूं कि हम लेमेन, we are lay people in politics, we are elected not because we understand economics thoroughly। कभी कभी क्या होता है कि economics बहुत गहराई से समझने वाले भी performance ऐसा करते हैं कि जिसके कारण लोगों को कहना पड़ता है कि perhaps it is wise not to have generals lead the war। Anyway, तो उसकी बात छोड़िए, लेकिन हमको लगता है कि इस प्रकार के interaction जैसे हमारे भारत बनाओ ने आयोजित किया है आज का, ये मुझे बहुत फायदा पहुंचाएगा, आपको कितना पहुंचाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अगर जिस वातावरण में जन्मा और जिस वातावरण में मेरे आरंभ के दशक बीते उसमें जो आदर्शवाद मेरे मन में आया, देश को उन्नत बनाने की प्रबल अभिलाषा मन में जगी, उसको मैं जितना आपको ट्रांसमिट कर सकूं ये मुझे संतोष देगा, लेकिन आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं कि आप क्या अपेक्षा करते हैं, आपकी जनरेशन आज के राजनेताओं से, आज के शासन से, आज के वातावरण से क्या अपेक्षा करती है, ये आपसे इंटरेक्शन करके ही मुझे पता लगेगा। मोटी तौर पर मैं जब ये लिख रहा था कि भाई आपको मैं क्या कहूंगा, तो मुझे लगा कि अगर